अच्छा, अब हमारा जो है जावा बीन है, तो जावा बीन में यहाँ पे कवर है जावा, और यूएसए लास्ट सेम में हम कवर कर चुके हैं। जावा बीन इज ए क्लास दैट शुड फॉलो द फॉलोइंग कन्वेंशन। इट शुड हैव नो एआरजी कंस्ट्रक्टर, मतलब कि जावा बीन जो क्लास है तो एक क्लास ही है, इसमें एक तो हमारे पास आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, दूसरा सीरियलाइजेबल होना चाहिए। अब सीरियलाइजेबल का मतलब क्या है? सीरियलाइजेबल का मतलब है सीरियलाइजेशन इज ए मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसे बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हमारा सीरियलाइजेशन होता है। और डी सीरियलाइजेशन क्या है फिर? डी सीरियलाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस वेयर बाइट स्ट्रीम इज यूज टू रिक्रिएट द एक्चुअल जावा ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। इसमें हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ये इसने यहाँ पे एक इमेज दिखा रखा है सीरियलाइजेशन का और डी सीरियलाइजेशन का। तो फाइल थी, फाइल को बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जबकि जो डी सीरियलाइजेशन है उसमें बाइट को दोबारा से, मतलब डाटाबेस से ये बाइट फॉर्म में निकला और फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये हमारा सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन है। सीरियलाइजेशन इज ए मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। अच्छा, तो ये इसने जावा बीन की एक तरीके से कन्वेंशन, जावा बीन के अंदर ये होना चाहिए, बोला सीरियलाइजेबल होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड ए मेथड सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज नोन एज गेटर एंड सेटर मेथड। तो ये हो रहा है कि इसको गेट और सेट वैल्यूज भी क्या है प्रोवाइड कराने चाहिए, और जो कि गेटर और सेटर माने जाते हैं। अब जावा बीन को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। अकॉर्डिंग टू जावा वाइट पेपर, इट इज रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, मतलब यही लाइन इसको बता रही है कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसको हम दोबारा से यूज में ला सकते हैं, दोबारा उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या है, ए बीन एज एनकैप्सुलेट्स मैनी ऑब्जेक्ट इनटू वन ऑब्जेक्ट सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। दूसरा कारण इन्होंने क्या बोला कि एनकैप्सुलेट, मतलब इसमें जावा बीन है तो एक क्लास है, लेकिन क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जावा बीन क्लास का, वो एनकैप्सुलेट कर लेगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर। ये समझ सकते हो कि एक डब्बे के अंदर बहुत सारे डब्बे, ठीक है, जैसे आपका बिस्किट का पैकेट होता है, तो बिस्किट के पैकेट के अंदर बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बिस्किट्स रहते हैं। तो उसी तरह से समझो कि जो जावा बीन का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ये एनकैप्सुलेट कर लेगा कैप्सूल की तरह, ठीक है, जिसके थ्रू सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। और ये जावा बीन वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अलग अलग जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसका यूज कर सकते हैं। तो जब उसको यूज कर पाएंगे तो उसके अंदर जो एनकैप्सुलेट वाले ऑब्जेक्ट होंगे उनको भी हम यूज कर पाएंगे। तो ये दो चीज हो गई कि एक तो रीयूज कर सकते हैं हम जावा बीन को, और दूसरा आपका जो है हाँ जावा बीन का जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को या कई ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर एनकैप्सुलेट कर लेता है, जिसको हम अलग अलग जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ये इन्होंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो अभी फिलहाल बाद में बताऊंगा मैं। जावा बीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? ए जावा बीन प्रॉपर्टी इज ए नेम्ड फीचर दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजर ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फीचर कैन बी ऑफ जावा डाटा टाइप कंटेनिंग क्लास एनयू। तो जैसे ये प्रॉपर्टी दे रखी है, गेट प्रॉपर्टी नेम, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉपर्टी नेम इज फर्स्ट नेम, द मेथड नेम विल वुड बी गेट फर्स्ट नेम टू रीड द प्रॉपर्टी, दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सेसर। तो जैसे नेम को एक्सेस करने के लिए हमारा गेट प्रॉपर्टी नेम जो मेथड है वो यूज होगा रीड करने के लिए, इस तरह से प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमारा सेट प्रॉपर्टी नेम है। एडवांटेजेस बता रखे इसने, जावा बीन प्रॉपर्टी एंड मेथड्स कैन बी एक्सपोज्ड टू अनदर एप्लीकेशन, मतलब कि हम इनको दूसरी एप्लीकेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
इट प्रोवाइड इजीनेस टू रीयूज, तो ये तो खैर वही आ गया कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जावा मीन्स आर म्यूटेबल सो इट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, एक तो ये हो गया। क्रिएटिंग द सेटर एंड गेटर मेथड फॉर ईच प्रॉपर्टी सेपरेटली मे लीड टू बॉयलेबल कोड, तो सेटर एंड मेथड को हर एक के लिए यूज कर, मतलब एक तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आ सकती है, बोला गेटर एंड सेटर मेथड का अगर हम यूज करें। अच्छा फिर इसी में ही अगला कॉन्सेप्ट है आपका जार फाइल्स, ये नोट्स पर से मैंने भेजे हुए, और जार फाइल आपने देख भी लिया कि जार फाइल होती क्या है ना, तो ये क्या हो रहा है, जार यानी कि जावा आर्चीव इज ए पैकेज फाइल फॉर्मेट टिपिकली यूज्ड टू एग्रीगेट मैनी जावा क्लासेस फाइल्स एंड एसोसिएट मेटा डाटा रिसोर्सेज इनटू वन फाइल टू डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज ऑन द जावा प्लेटफॉर्म। अब देखो जैसे हमने वहां पे क्या क्या था, हमने जार फाइल्स का यूज क्या था, इमेज को लाने के लिए, और क्या नाम है जो जे टेबल हमने यूज करी थी तो उसके लिए भी डाटा जाए, तो उसके लिए हमने जार फाइल का यूज किया था, और कुछ जार फाइल्स पहले से रहती हैं। अब जार का मतलब क्या हो गया, जावा आर्चीव, तो ये क्या है, एक पैकेज है, इज ए पैकेज फाइल फॉर्मेट जो कि क्या करता है, जिसके अंदर मतलब इस पैकेज के अंदर यानी कि जो जावा आर्चीव है उसके अंदर काफी सारी जावा क्लास फाइल्स रहती है, यानी कि जावा क्लासेस रहती है, जिसके अंदर कुछ मेटा डाटा रहता है, कुछ रिसोर्सेज रहते हैं, यानी कि टेक्स्ट होती है, इमेजेस होती है एक ही फाइल में, जिसके थ्रू हम उन जार फाइलों को अलग अलग एप्लीकेशन में ला सकें और जो जावा प्लेटफॉर्म का लाइब्रेरी है वहां पे ऐड कर सकें। उससे होता क्या है, उससे जो हमारा काम होता है वो आसान हो जाता है, यानी कि जो कोड हमें बहुत लंबा लिखना था जार फाइल की वजह से उसको हम अलग अलग जगह यूज कर पाते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड जार फाइल इज ए फाइल दैट कंटेन्स कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ डॉट क्लास फाइल्स ऑडियो फाइल इमेजेस डायरेक्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि जार फाइल क्या आपकी एक कंप्रेस फाइल है, यानी कि वो कंप्रेस क्या, जिसके अंदर हमारी क्लासेस हैं, ऑडियो है, इमेजेस हैं, ये सारी चीजें। ये बोल रहा है कि वी कैन इमेजिन ए डॉट जार फाइल एज जिप्ड फाइल, जैसे जिप फाइलें भी होती है, जार फाइल हम उसी तरह से समझ सकते हैं इस क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, सो यू कैन यूज देम फॉर टास्क सच एज लॉसलेस डाटा कंप्रेशन अचीविंग डीकंप्रेशन एंड अचीविंग, तो चलो ये तो बोलता है। अब यहाँ पे इसने जार, अभी तक हमने जार फाइलों को यूज करना देखा, अगर खुद की जार फाइल बनानी है तो उसने ये यहाँ पे कमांड दे रखे, जार स्पेस देके cf, फिर फाइल का नेम और जो उसके अंदर फाइलें रखनी है वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, जो जो क्लासेस है उसके बाद क्या हो रहा है कि cf represent to create file, for example assuming our package is available in c directory to convert it into jar file pack.jar we can, तो इसको जार फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सी जार सी एफ और पैक डॉट जार और फिर पैकेज। ठीक है, पैक डॉट जार तो नाम हो गया उसका, और पैक कर दे उसको, पैकेज बना दे। तो ये इसने ये तो वहां की एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा था, अपडेटिंग जार। ठीक है, अब है जावा बीन्स एपीआई। तो जावा बीन्स एपीआई क्या बोल रहा है, द जावा बीन्स फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड बाय सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा बीन्स पैकेज। तो यानी कि एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि जावा बीन की जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जावा बीन्स फंक्शनलिटी इज प्रोवाइडेड बाय सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा डॉट बीन्स पैकेज। तो जावा बीन्स की जो फंक्शनैलिटी है वो हमें क्यों मिलती है, क्योंकि वो जावा डॉट बीन्स पैकेज के अंदर है, जिसके अंदर हमारे क्लासेस और इंटरफेस रहते हैं। This section, अच्छा ये तो खैर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसने कुछ बता रखा है, जैसे क्लास है बीन डिस्क्रिप्टर। ठीक है, ये बीन डिस्क्रिप्टर क्लास इसी एपीआई के अंदर होगी, तो हो रहा है दिस क्लास प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बीन। ठीक है, जावा बीन हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके बारे में उसकी डिटेल होगा, बीन डिस्क्रिप्टर क्लास बताएगी। इट ऑल्सो अलाउज यू टू एसोसिएट ए कस्टमाइज विद बीन, इट
टू एसोसिएट, मतलब किसी भी बीन के साथ हम इस क्लास के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। फिर दूसरी बीन क्लास है, ये कह रहा है दिस क्लास इज यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द बीन। तो ये क्लास क्या होती है, आपकी किसी भी बीन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। डिफॉल्ट परसिस्टेंट डेलीगेट, ए कंक्रीट सब क्लास ऑफ परसिस्टेंट डेलीगेट, ये बोरस की सब क्लास है। एनकोडर, ये बोरा जो एनकोडर क्लास है इस जावा बीन एपीआई के अंदर, एनकोड्स अ सेट ऑफ बीन, मतलब जो अलग अलग बीन ऑब्जेक्ट होंगे उनको एनकोड कर देगा, यानी कि उनका एक अलग मतलब कोडिंग में चेंज कर देगा। कैन बी यूज टू राइट दिस इंफॉर्मेशन इनटू स्ट्रीम। और फिर हम जो है एनकोडर का यूज करके एक स्ट्रीम की तरह कैन बी यूज्ड टू राइट दिस इंफॉर्मेशन इनटू स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जैसे जो हमारी फाइलें ट्रांसफर होती हैं उनको हम फाइल स्ट्रीम बोलते हैं, तो वहां पे यूज करी जा सकती है। इवेंट हैंडलर, ठीक है, ये आपको बताया कि इवेंट हैंडलर क्या करता है, तो ये भी एपीआई के अंदर होता ही है। सपोर्ट्स डायनेमिक इवेंट लिसनर क्रिएशन, इस तरह से कुछ और चीजें भी हैं। फिर इसी तरह से ये इसने नीचे भी दे रखा है और क्लासेस। अच्छा, अब यहाँ पे है इंट्रोस्पेक्टर बोल रखा था। इंट्रोस्पेक्टर क्लास प्रोवाइड सेवरल स्टैटिक मेथड्स दैट सपोर्ट्स इंट्रोस्पेक्शन। ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट इज गेट बीन इन्फो, दिस मेथड रिटर्न्स बीन इन्फो ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बीन। तो यहाँ पे हो रहा है कि इंट्रोस्पेक्टर क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मेथड जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। तो उसके अंदर इसमें एक मेथड रहता है इंट्रोस्पेक्टर के अंदर गेट बीन इन्फो, ये क्या करता है जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसकी डिटेल हमें जो है दे देता है, डिटेल देने के लिए लेने के लिए यूज किया जाता है। द गेट बीन इन्फो मेथड हैज सेवरल फॉर्म्स इंक्लूडिंग, तो अच्छा इसने अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो नीचे दे रखा है इसने। इसी तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर बोल रहा है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर क्लास डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीन, ठीक है, बीन की जो विशेषताएं होती हैं वो हमें बताता है। इट सपोर्ट्स सेवरल मेथड्स दैट मैनेज एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल यू कैन डिटरमाइन इफ ए प्रॉपर्टी इज बाउंड बाय कॉलिंग इज बाउंड, टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी इज कस्टमाइज कॉल्ड इज कंस्ट्रेंट, यू कैन ऑब्टेन द नेम ऑफ, तो हम किसी भी प्रॉपर्टी का नेम गेट नेम से निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर का आपका पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से इवेंट डिस्क्रिप्टर है, इसी तरह से मेथड डिस्क्रिप्टर है। अब क्या है सेशन बीन, सेशन बीन क्या बोल रहा है, सेशन बीन एनकैप्सुलेट्स बिजनेस लॉजिक ओनली, इट कैन बी इन्वॉल्व्ड बाय लोकल रिमोट एंड वेब सर्विस क्लाइंट, ठीक है। तो मतलब इन्वोक का मतलब इसको कॉल किया जा सकता है लोकल रिमोट और वेब सर्विस जो क्लाइंट है उनके थ्रू हम इसको सेशन बीन को कॉल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए हमारी सेशन बीन यूज होती है, डाटा बेस एक्सेस के लिए हमारी सेशन बीन होती है। द लाइफ साइकिल सेशन बीन इज मेंटेन्ड बाय एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, जो इसका लाइफ साइकिल है वो एप्लीकेशन सर्वर से आपका जो है मेंटेन होता है। टाइप्स ऑफ सेशन बीन, तो इसमें तीन बोला इसने, एसलेस सेशन बीन होती है, इट डज नॉट मेंटेन द स्टेट ऑफ क्लाइंट बिटवीन मल्टीपल मेथड को, ठीक है, मतलब कौन सी जो सेशन बीन है वो उसकी क्या अभी स्टेट है, तो ये उसको मेंटेन नहीं करती है। स्टेटफुल, इट मेंटेन्स, ये उसकी अवस्था को मेंटेन करेगी अलग अलग। अच्छा, इसमें एक रिक्वेस्ट की बात आ रही है और कॉल की बात आ रही है, तो जब क्लाइंट है, जब वेब एप्लीकेशन होती है तो हमारा क्लाइंट भी होता है सर्वर भी होता है, तो क्लाइंट क्या करता है रिक्वेस्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल में गए, आपने गूगल में टाइप किया बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, तो आपको ये आपने रिक्वेस्ट करी, तो आपने अपने ब्राउजर के थ्रू अपने अपने कंप्यूटर में ब्राउजर खोला मोज़िला फायरफॉक्स और उसमें आपने टाइप किया बेस्ट, तो आप हो गए क्लाइंट, तो वो जो
बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, तो जब आपने वही टाइप किया वो जाएगा गूगल के सर्वर में, तो उस गूगल के सर्वर में जो इस रिक्वेस्ट के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको आपके कंप्यूटर में दिखा देगा। तो ये तो होती है क्लाइंट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है और सर्वर उसके हिसाब से एक रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा था उसको मैं समझा रहा था। तो इट मेंटेन्स यानी कि जो स्टेटफुल सेशन बीन होती है वो क्लाइंट की जो अलग अलग रिक्वेस्ट आती है उनको मेंटेन करता है, जबकि ये वाला ऊपर वाला मेंटेन नहीं करता है। अच्छा, इसके अलावा इसने बोला था सिंग लेटन सेशन बीन वन इंस्टेंस पर एप्लीकेशन, इट इज शेयर बिटवीन क्लाइंट्स एंड सपोर्ट्स कंक्रेंट एक्सेस। तो मेरा कि वन इंस्टेंस पर एप्लीकेशन, ठीक है, वन इंस्टेंस का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट, और एक ही क्लास के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो जो आपका जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक इंस्टेंस माना जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इस बीन में क्या होता है, एक इंस्टेंस, हर एक इंस्टेंस के हिसाब से, सॉरी हर एप्लीकेशन के हिसाब से एक उसका इंस्टेंस होता है, यानी कि एक आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इट इज शेयर बिटवीन क्लाइंट्स, क्लाइंट के बीच में शेयर किया जाता है, हर एक एक एप्लीकेशन का भेज दिया जाएगा, एंड सपोर्ट कंकरेंट एक्सेस ताकि कंकरेंट एक्सेस हो सके। जैसे कि सपोज आपने क्या किया गूगल में, वही लिखा बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, तो अगर सेम टाइम पे 11 बजे, ठीक 11 बजे 1000 लोगों ने सेम रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर को तो सबको सेम ही डिटेल भेजनी है, तो एक कंकरेंट एक्सेस हो गया। तो कंकरेंट एक्सेस के केस में ये क्या करेगा, उस डिटेल को भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वन इंस्टेंस का यूज करेगा पर एप्लीकेशन के हिसाब से और भेज देगा। अच्छा, अब आते हैं एंटिटी बीन। एंटिटी बीन क्या हुई, एंटिटी बीन रिप्रेजेंट्स द परसिस्टेंस डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। लाइक एंटिटी बीन आपकी क्या करती है, जो डाटाबेस के अंदर आपका डाटा है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट, और एंटिटी बीन क्या, सर्वर साइड, जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि सर्वर आपको कुछ रेस्पॉन्स देगा, तो रेस्पॉन्स देने के लिए एंटिटी बीन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी बीन्स, बीन मैनेज परसिस्टेंस यानी कि BMP एंड कंटेनर मैनेजमेंट परसिस्टेंस। तो ये दो तरह के होते हैं, बीन मैनेज परसिस्टेंस यानी कि BMP होता है और CMP होता है। अच्छा, ये बोल रहा है इट इज डेप्रिकेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय JPA, यानी कि इसको जो है आपका जो एंटिटी बीन है उसको JPA यानी कि जावा परसिस्टेंस API के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये तो अभी इसने दिया नहीं होगा। ठीक है, मैं इसमें 1 मिनट देखता हूँ। हेलो, अच्छा अब है एंटरप्राइज जावा बीन्स। ठीक है, तो एंटरप्राइज जावा बीन यानी कि EJB कई बार आ जाता है, इज वन ऑफ सेवरल जावा APIs फॉर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, EJB है क्या आपका, सेवरल जावा API यानी कि जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में से एक है, जिससे कि हम जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना सकें यानी कि बड़ी बड़ी जो एंटरप्राइज होती है उनके लिए। EJB से सर्वर साइड एलिमेंट, तो देखो एंटिटी बीन भी आपका सर्वर साइड है और EJB यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन भी आपका सर्वर साइड जो है एलिमेंट है। दैट समराइजेस बिजनेस
लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन, जिसमें क्या होता है बिजनेस लॉजिक होते हैं। एंटरप्राइज जावा बीन वेब रिपोजिटरी यील्ड्स ए रन टाइम डोमेन फॉर वेब रिलेटेड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर रिलायबिलिटी। तो बोल रहा है कि ये जो एंटरप्राइज जावा बीन है यील्ड्स ए रन टाइम डोमेन, ये क्या करता है रन टाइम डोमेन कर देता है। रन टाइम डोमेन का मतलब रन टाइम एनवायरमेंट जहाँ पे आपका एप्लीकेशन चलेगा। फॉर वेब रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग कंप्यूटर रिलायबिलिटी, जावा सर्वलेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन प्रोसीजर एंड अदर वेब सर्विस। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं, ये जो आपका वेब का जो रन टाइम होता है वहां पर उसको क्या करेगा चलाएगा। द ईजेबी एनुमरेशन इज ए सबसेट ऑफ जावा ईई एनुमरेशन। तो जो एंटरप्राइज जावा बीन है वो क्या है जावा एंटरप्राइज या जावा ईई एनुमरेशन का क्या है सबसेट है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टू रन जावा ईजेबी एप्लीकेशन वी नीड एप्लीकेशन सर्वर सच एज जेपॉस, ग्लासफिश, वेब लॉजिक, वेब स्फीयर। ईजेबी की एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें एप्लीकेशन सर्वर चाहिए होते हैं। ये इसने नाम दे रखे जेबॉस हो गया, ग्लासफिश हो गया, वेब एज हो गया, वेब स्फीयर हो गया। और ये क्या करते हैं उसका लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, ट्रांजेक्शन उसका करते हैं, ऑब्जेक्ट पूलिंग। और ये जो अभी टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज जावा बीन ये हमने पढ़ाई अभी सेशन बीन, ठीक है। सेशन बीन कंटेन्स बिजनेस लॉजिक दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय लोकल रिमोट वेब सर्विस क्लाइंट। टू टाइप्स स्टेट फुल और स्टेट, ठीक है। एंटिटी बीन अभी पढ़ा। अच्छा इनको व्हेन टू यूज एंटरप्राइज जावा बीन, इनको कब यूज करते हैं। एप्लीकेशन नीड टू रिमोट एक्सेस, ईजेबी का यूज हम करते हैं जब हमें रिमोट एक्सेस चाहिए होता है, यानी कि आप कहीं पर हैं और जैसे क्लाइंट सर्वर वाला जो काम है उसके उसके हिसाब से आप कह सकते हैं, जैसे बैंक्स में चलता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डाटा उठाता है, उस जगह पे हम एंटरप्राइज जावा बीन का यूज करते हैं। एप्लीकेशन नीड्स टू बी स्केलेबल, ईजेबी सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग, क्लस्टर एंड फेल ओवर। मतलब कि जहाँ पे स्केलेबल हो, मतलब जो एप्लीकेशन का साइज लगातार बढ़ता रहे उसमें ज्यादा चीजें आती रहे, तो उस केस में भी हम एंटरप्राइज जावा बीन का यूज करते हैं। एप्लीकेशन नीड्स एनकैप्सुलेटेड बिजनेस लॉजिक, ईजेबी एप्लीकेशन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डेमोंस्ट्रेशन एंड परसिस्टेंट लेयर। तो ये जो नीड्स एनकैप्सुलेटेड बिजनेस लॉजिक की बात कर रहा है, यानी कि जब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हों तो उस केस में इस तरह का अगर कुछ करना है तो वहां पे ईजेपी का यूज करते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसने बता रखे हैं। ईजेबी रिपोजिटरी यील्ड्स सिस्टम लेवल सर्विसेज टू एंटरप्राइज, मींस द बीन डेवलपर कैन फोकस ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स रादर देन बीन डेवलपर। तो ये बोल रहा है कि जो बीन डेवलपर होगा वो सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम पे ध्यान दे पाएगा। अच्छा, रादर देन द बीन डेवलपर द ईजेबी रिपोजिटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टम लेवल सर्विसेज। तो जो बीन डेवलपर होगा वो सिस्टम लेवल पे जो सर्विसेज हैं उन पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है, ये इसका फायदा है। द बीन रादर देन द क्लाइंट कंटेन द एप्लीकेशन बिजनेस, द क्लाइंट डेवलपर कैन फोकस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लाइंट। तो जो क्लाइंट डेवलपर होगा वो क्या कर सकता है प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकता है। द क्लाइंट डेवलपर डज नॉट हैव टू कोड द पैटर्न दैट एग्जीक्यूट बिजनेस रूल्स टू एक्सेस द डेटाबेस। तो क्लाइंट डेवलपर को क्या नाम है उन कोड पे ध्यान नहीं देना पड़ता जिससे वो डाटाबेस को एक्सेस कर पाए। ड्यू टू दिस क्लाइंट आर थिनर विच इज बेनिफिट दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट्स दैट रन स्मॉल सर्विसेज। इसकी वजह से क्या होता है वो जो उसके स्मॉल कोड्स होते हैं उसको आराम से चला लेते हैं। आगे बढ़ रहा है जो ईजीबी होते हैं एंटरप्राइज जावा बीन्स होते हैं वो पोर्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। द एप्लीकेशन असेंबलर कैन बिल्ड न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम द बीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो पहले से बीन्स हैं उनका यूज जो है ईजीबी कर लेता है, तो इसलिए पोर्टेबल है।
डिसएडवांटेज क्या है इसको, एप्लीकेशन सर्वर की जरूरत पड़ती है, दूसरा केवल एक ही क्लाइंट होता है, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये एंड डेवलप ईजेपी एप्लीकेशन, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तुम लोग इतना लेट क्यों आते हैं सब लोग, क्यों बलराम और ये सालनी, प्राची, शिवानी? अरे सर आप हर रोज न्यू न्यू लिंक देते हो सर, अब तो इतने सारे लोग हैं, देता तो पुराना देता तो देता है तो देखो आईडी वो कनेक्ट नहीं होता सर, पहले वो कनेक्ट नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद वो कनेक्ट होता। अरे सुनो तो सही, जो आईडी दे रखी ना आईडी से ज्वाइन करना है, जो मैंने आईडी दे रखी दोबारा से दे दूंगा, उस आईडी से ज्वाइन करना है। अब तुम वो जो मैं अब तुम बोलते हो कनेक्ट नहीं होता, मुझे नया वो लिंक देना पड़ता है, तो जैसे मान लिया सपोज किसी का कनेक्ट नहीं होता तब मैं वो लिंक देता हूँ, तो आपको नेक्स्ट से उससे नहीं करना है, ठीक है? जो मैं आज आईडी दोबारा दे दूंगा उसी आईडी से ज्वाइन करना, अगर उस आईडी से ज्वाइन नहीं हो पाता है सर, लेकिन आईडी से तो कनेक्ट नहीं होता। हाँ तो जब आईडी से कनेक्ट नहीं होता सर, आईडी से कनेक्ट नहीं होता, उस बेचारी को पता भी नहीं चलता आईडी बन गई, तो वो तो सबसे लेट ही आती है। क्या नाम है, आईडी से वैसे हो जाएगा कनेक्ट, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर किसी का बाई चांस कनेक्ट नहीं हो पाता आईडी से तब उसके लिए मैं लिंक देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज उसी लिंक का यूज करो, वो उसी समय के लिए होता है लिंक, ठीक है? एक मिनट जरा मैं बोलता हूँ, मैं अभी देता हूँ, और तब एक बार ट्रायल के लिए करके भी देखना उससे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर लेकिन मैं तो ग्रुप में ऐड ही नहीं।